झंडा नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी प्रधानमंत्री पहली बार जाकर के ना केवल शिलान्यास में बैठे और पूरे देश ने भरोसा किया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बाल बराबर कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन शिलान्यास भी हुआ और इस 22 जनवरी को दुनिया ने देखा हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोगों के मुंह काले हो गए। उनको एहसास हुआ कि अगर देश के अंदर अच्छी ढंग से बात रखी जाए तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश लोकतंत्र की जय जयकार करता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। और ऐसे एक नहीं कई निर्णय, और यह हमारी सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद हमने भी ऐसे निर्णय प्रारंभ किए। माननीय मोदी जी ने कहा अब की बार तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बनेगी तो मोदी जी की सरकार भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए बनेगी। जोरदार अभिनंदन करो, अब चुनाव के मुहाने पे हम खड़े। हम अगर लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको स्मरण रहना चाहिए कि हम अगर चुनाव में जा रहे हैं तो किस बात के लिए जा रहे हैं। चुनाव भारत को भव्य बनाने के लिए, भारत की आत्मा के दिव्यता को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो भारत को सक्षम और सबल बनाने के लिए, और केवल भारत को नहीं बनाने के लिए, हमारे उस उदात्त विचार के लिए जिसके कारण से भारत दुनिया में जाना जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के समूचे दुनिया में भारत की मानवता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कई निर्णय हमने किए। आप बताओ खुले में क्या बिकता था, कहां बिकता था? यही बाजार में बिकता था। अभी कहीं मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने ये जो ठप्पा लगाया, आपने बटन दबाया, और कमल तो इसी बात का प्रतीक होता कि नहीं होता है। हम तो उस मार्ग वाले लोग हैं। ये फालतू की आवाज भी बंद हुई कि नहीं हुई? अगर हुई है तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कोई दल विशेष की बात नहीं कही, हमने धर्म विशेष की बात नहीं कही, लेकिन जो कहा बोला नहीं है, करके दिखाया। ये करके दिखाने वालों की सरकार है जिसके निर्णयों के लिए निर्णय की आवाज आना चाहिए, बोलने की आवाज नहीं आना चाहिए। बोला तो फिर क्या बोला? बोलता तो काम है, काम ही बोलता है। आज के अवसर पर आपने देखा वर्षों से कुलपति कुलपति कुलपति, अरे भैया हमारे यहां तो गुरुकुल पद्धति थी, कुलपति कहां से आ गए? आए जहां से, हमने कहा नमस्कार, अब से सभी कुलपति कुलगुरु कहे जाएंगे। ये लंघन लागू हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारी पद्धति है, ये सनातन धर्म की पद्धति है, हमारी गुरुकुल पद्धति नई थोड़ी है। भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, अब इनको बदलने की जरूरत है कि नहीं? हमने कहा हमारी सरकार में वर्तमान के दौर में जो समय चल रहा है, आप बताओ मोदी जी ने विकसित भारत की यात्रा निकाली, विकसित भारत, मध्य प्रदेश विकसित इस आधार पर लगभग 54 लाख लोगों को लाभ दिलाया, और एक दो नहीं, हमारे लिए तो कई सारे मौके। अब टंट्या मामा आज भी महू से जाने वाली ट्रेन टंट्या मामा के जन्म स्थान पर 2 मिनट रुक करके सम्मान देती है, लेकिन टंट्या मामा को इनने क्या बता रखा था? टंट्या मामा पुराने सरकार के दायरे में शिक्षा नीति के माध्यम से उनको कहा, जो क्रांतिकारी है, जो देशभक्त है, उनको कहा कि ये देशभक्त नहीं है। हमने कहा कौन कहता नहीं है, अब हमारी सरकार है, टंट्या मामा के नाम से ही विश्वविद्यालय बना दिया, क्रांतिवीर टंट्या मामा, और हमने उद्घाटन कराने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बुलाया। स्वर्गीय तात्या टोपे गुना में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली गई। रानी अवंतीबाई लोधी और तो हमारे पुराने जितने क्रांतिकारी है, रानी दुर्गावती जिसने एक बार नहीं दो दो बार अकबर को धूल चटाई, शेरशाह सूरी के एक महान, एक अलग प्रकार के उस समय के शासक को भी धूल चटाई, ऐसी महारानी के नाम पर हमने पहली कैबिनेट की। और आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्हीं के नाम पर आपके अभी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग हैं तीनों विधानसभा में, 3000 रुपए बोरा देते थे, अब 1000 उनका बढ़ा करके भी 4000 रुपया प्रति बोरा दे करके ये बड़ी सौगात हमने देने का प्रयास किया। ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार संवेदनशील की सरकार है, हमारे किसी भी व्यक्ति का, आम जनता का अपमान पसंद नहीं करेंगे।
आपने सबने देखा ड्राइवर है तो क्या हो गया, ड्राइवर की इज्जत नहीं है क्या, ड्राइवर को क्या हो गया, वो मनुष्य नहीं है क्या? अरे ड्राइवर हो, किसान हो, मजदूर हो, ये जनता के दर्द को समझने वाली सरकार है। अधिकारियों से भी कहा गया कि भैया हम किसी का अपमान नहीं करना जानते, लेकिन आप हमारे सम्मान का भी ध्यान रखो, आपने हमारे को छेड़ा तो ये सरकार नहीं छोड़ने वाली, समझदार को इशारा काफी, थोड़ा कहा वो ज्यादा समझना, ज्यादा बोलना आता नहीं है लेकिन संकेत में समझाना आता है। हमारी जनता की, जनता के मत से बनी हुई सरकार है, इसलिए जनतंत्र में जनता का स्थान सर्वोपरि है। सरकार जनतंत्र के माध्यम से बनती है, जनता के वोट से बनती है, और जनता के मामले में ये सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत बोल सकता था, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन थोड़ा लंबा समय चला गया। आप बताओ रजिस्ट्री कराओ वो पटवारी के आगे पीछे घूमते रहो, भैया नामांतरण करा ले, नामांतरण करा ले, बंटवारा करा दे। अरे पटवारी भैया तुम्हारे ही तो राज चल रहा था, ये सिस्टम को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे पैसा हमारा, जमीन हमारी, हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, पटवारी कलेक्टर के भी पिताजी हो गए, ये कौन सा फार्मूला? हमने कहा ये नहीं चलेगा, इधर आप रजिस्ट्री कराओ उधर नामांतरण तैयार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे ऐसे विषय, गुंडागर्दी चल रही है, कोर्ट का दुरुपयोग कर रहा है, आप मर्जियां जो करोगे, एक अपराध करो एक रिकॉर्ड बना, कोर्ट में गए जमानत करा ली, भैया ज्यादा जब वजनदार है तो जमानत होकर के बाहर आ गए, फिर दूसरा अपराध करा, फिर जमानत करा ली, फिर आ गए, फिर गुंडागर्दी चली, फिर तीसरा अपराध। अब गरीब आदमी, सामान्य जनता, सज्जन पुरुष दूर से टुकुर टुकुर देख रहे कि भैया ये इतना बड़ा गुंडा है, एक दो तीन, ये तो रोज जाता है, रोज आ जाता है, और पूरी सरकार दूर से देख रही कि इसको क्या करे। तो आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता था, हमने कहा हमारी सरकार में नहीं चलेगा। एक कानून आते ही बनाया कि आप ऐसे अपराधी जो बार बार कर रहे हैं, पुलिस उनके खुद जमानत निरस्त करने के लिए कोर्ट जाएगी, इनका स्थान बाहर नहीं हो सकता है, इनका स्थान जेल घर में होना चाहिए, ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का मतलब ये है समाज की सामाजिक शक्ति सज्जनों के लिए छाया का काम करे और गुंडागर्दी करने वालों को ठिकाने लगाए, जिसका मतलब सरकार होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से ये डबल इंजन की सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब सुशासन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मतलब लोगों के पास भरोसा करने वाली सरकार, गरीबों की सेवा करने वाली सरकार। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास है लेकिन समय की कमी पड़ रही है। अभी आपके बीच में से बहुत सारे विषय मेरे पास आ गए और कुछ विषय आपने भी निकाले, लेकिन आज भी खाली हाथ नहीं आया, आपने भी इतने फूल उड़ाए कि आपके फूल से भी घायल कर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे आंख में तो चश्मा लगता नहीं। अब आप तो उड़ा रहे हो फूल, वो फूल तो आ रहा है लेकिन आते आते आंख भी बंद करना पड़ती है, लेकिन ये नीमच का प्रेम। मैं विद्यार्थी परिषद के समय से आता रहा और नीमच तो मेरे से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा मैं कहीं और से आता। सच्चे अर्थों में एक घर मेरा यही है, ऐसा मेरा प्रेम नीमच से शुरू से। और नीमच हो के मंदसौर, क्या उज्जैन में और क्या नीमच मंदसौर में फर्क, इसके भरोसे तो हमने 1000 का 2000 साल पहले डंका बजाया। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने डंका बजाया था, देश के दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ा था और विक्रम संवत चलाया था। इसलिए हमने सरकार बनते ही इस साल के मध्य प्रदेश के कैलेंडर में सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित विक्रम संवत को भी स्थान देकर के वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया।